हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डो एंड मी। और आज मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत ही यमी रेसिपी गार्लिक मैगी की। इसमें हम बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन को हीट कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। और आप अगर चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो अगर आपका नॉर्मल होता है, बट घी टेस्ट्स बेटर, तो आई वुड प्रेफर कि घी ही आप यूज़ करें। और उसके बाद उसमें जिंजर और गार्लिक चॉप्ड मैंने यूज़ करी है, आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फाइनली चॉप्ड जिंजर और गार्लिक यूज़ करें। और उसको रोस्ट कर लें, थोड़ा सा जलने ना दें, सिर्फ स्मेल निकल जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इसमें। हमारा रोस्ट हो गया है जिंजर गार्लिक, इसमें अब मैंने ऐड कर दिया टमाटो प्योरे, और इसको कलर चेंज होने तक और थोड़ा पकने तक हम इस पर कुक करते रहेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। टमाटो हमारे कुक हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर। मैंने अराउंड हाफ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा वाटर इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट, जो टमाटोज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम उसके लिए, थोड़ा गरम मसाला। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मैगी का टेस्ट मेकर का पाउच। मैंने ये एक सिंगल सर्विंग की मैगी के लिए इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, और मैंने टमाटो प्योरे में 2 टमाटर्स की प्योरे डाले थे। इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे बॉयल आने तक। अब हम इसमें अपनी मैगी ऐड करेंगे। मैं इसको ब्रेक नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अपने जो नूडल्स हैं वो लॉन्ग पसंद है, जो हमारी मैगी है वो मुझे लंबी पसंद है। अगर आप ब्रेक करके ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और जब ऐसा कुछ टेक्सचर चेंज हो जाए मैगी का तो उसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, यानी कि थोड़ी सी सॉफ्ट होने के बाद। और अब कम्प्लीटली मेरी मैगी कुक हो चुकी है। थोड़ा सा वाटर ही मैंने साइड में छोड़ा है, और इसको हम थोड़े 1 मिनट के लिए अराउंड ऐसा छोड़ेंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी सारे फ्लेवर्स को और सारे वाटर को। मैंने कर दिया है अपनी मैगी को सर्व, और जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि टोटली एब्जॉर्ब कर लिया है मैगी ने, मैंने वाटर को एवेपोरेट नहीं करवाया था, फ्लेवर्स सारे इन्फ्यूज़ हो गए हैं, मैगी सॉफ्ट हो गई है, और कलर कितना ब्यूटीफुल, कितना रेडिश आ रहा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम होता है और मैं मैगी को थोड़े डिफरेंट स्टाइल में खाना पसंद करती हूँ, तो मैं बहुत बार इसको इस तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई इट एंड लेट मी नो कि आपको कैसी लगी ये मैगी की रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय योर मैगी, बाय।